सिद्धार्थनगर की सरजमीन से गाए हुए बहुत ही मोहतबर नाम, जिनकी कई किताबें मंदिर आम पे आ चुकी हैं। बहुत मुख्तसर सा आपका मैं वक्त लूंगा इस शेर के साथ कि उसी से नौ इंसान फिर हिदायत की सवाली है, उसी से नौ इंसान फिर हिदायत की सवाली है। वो हादी जिसने दुनिया दीन के सांचे में ढाली है, उम्मीदों बीम की तस्वीर बनकर रह गया हूँ, उम्मीदों बीम की तस्वीर बनकर रह गया हूँ। नजर सुए फलक है, हाथ में रोजी की जाली है। जनाबे नसीम फैजी अलकासमी सिद्धार्थ नगरी से मेरी गुजारिश है, बहुत ही मोहतरम शख्सियत है हमारे इस दियार की, मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो चंद नातिया कलाम से हम सामेईन को महदूद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर्दी का मौसम और आपका ये जोशो खरोश देखकर एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि सदियां गुजर गईं लेकिन उम्मत मुस्लिमा के जियालों का लहू सर्द नहीं हुआ। बेशक बेशक। और ना इंशाल्लाह सर्द होगा इंशाल्लाह। ज्यादा तमहीदात में वक्त नहीं लूंगा और यहाँ पर उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है, यहाँ पर देवबंद से तशरीफ लाए हुए दारुत तालीम व सना के मेरे अजीज दोस्त मौलाना इब्राहिम साहब और नजमुल हुदा साहब कासमी बहुत देर से इसरार कर रहे थे कि मुझे पेश किया जाए। दोस्तों मैं हालात की बात करता हूँ, आपको समझ में आए तो हौसला अफजाई कीजिएगा। ये नातिया मुशायरा है, मुशायरे तो पढ़ते रहते हैं लेकिन जो बज़्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में सजाई गई हो, वहाँ पर बैठना इबादत, वहाँ पर सुनना इबादत, और ना जाने कौन सा पल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारी मगफरत का जरिया बन जाए। मुजम्मिल तू मुदस्सिर तू ही यासी तू ही ताहा। बड़े बड़े वलमा फुसहा वदबा जब बारगाह रिसालत की नाक गोई के मैदान में कदम रखते हैं तो इस बात का एतराफ करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तारीफ खुदा ही कर सकता है। दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं पैदा हुआ जो आपके शाया निशान आपकी तारीफ कर सके। नसीम फैजी सिद्धार्थ नगरी ने उसी का एतराफ किया है। मुजम्मिल तू मुदस्सिर तू ही यासी तू ही ताहा, तेरे इसमें मुबारक की सदा गर्दान करता है। वाह। कलम मेरा जहन मेरा मेरी फिक्रे रसा क्या है। मुजम्मिल तू मुदस्सिर तू ही यासी तू ही ताहा, तेरे इसमें मुबारक की सदा गर्दान करता है। कलम मेरा जहन मेरा मेरी फिक्रे रसा क्या है, अदाओं की तेरी मंजर कशी कुरान करता है। अदाओं की तेरी मंजर कशी कुरान करता है। दोस्तों आज इस मजमे के अंदर नात के ताल्लुक ही से अशार पढ़े जाने हैं। हजरत आयशा से पूछा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, तो आपने फरमाया काना खुल्कु वल कुरान, आपका अखलाक कुरान था। आइए एक कथा पेश करता हूँ हमारे जहनों दिल में। यहाँ उलमा और तलबा बकसरत मौजूद है, खामोश नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर मौलाना सगीर साहब भी तशरीफ फरमा है, वो भी हमारे हम असरों में दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे। और ये भी अर्ज कर दूं मैं आपके दियार का हूँ, जामिया दारुल मारिफ लहरौली में हमने तालीम हासिल की है। और ये हमारी सआदत की बात है कि यहाँ पर मैं मौजूद था और हमारे गुफरान शकील साहब ने बड़ी मोहब्बतों के साथ याद किया, हाजिर हुआ हूँ। आइए हमारे जहनों दिल में नूर बनकर जगमगाता है, हमारे जहन दिल में नूर बनकर जगमगाता है। शोरा तो दाद देते नहीं, अलमा आमिर उस्मानी साहब ने फरमाया शोरा की दाद का कोई एतबार भी नहीं होता, ये दाद लेने के लिए भी दाद दिया करते हैं। तो हमारे जहनों दिल में नूर बनकर जगमगाता है, मुअत्तर फूल बनकर धड़कनों सांसों में रहता है। मुअत्तर फूल बन, मेरी जबान जरा बुलंद होती है लेकिन अशार आप जरूर समझेंगे, मुझे लगना चाहिए
कि तप्पा उज्जैन के एक इल्मी खित्ते में मैं शेर पढ़ रहा हूँ, जहाँ हर घर में हाफिज और आलिम मिलेंगे और इदारों की कसरत मिलेगी। हमारे जहनों दिल में नूर बनकर जगमगाता है, मुअत्तर फूल बनकर धड़कनों सांसों में रहता है। तो कुरान मुकद्दस को सितमगर क्या मिटाएगा, धोकर हिफ्ज मेरे कौम के बच्चों में रहता है, धोकर हिफ्ज मेरी कौम के बच्चों में रहता है। मजा आया नहीं? चलिए ठीक है, चलिए आइए एक कथा और पेश करता हूँ। आपने बहुत से किलों का तस्करा सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला जिस जैसा चाहता है जिसकी हिफाजत है। किला किस लिए होता है? हिफाजत के लिए। तारीख इस्लाम के अंदर एक किला ऐसा बनाया गया जो नादिर और बेमिसाल है। अगर आपने सीरत को पढ़ा है तो इस कते तक पहुंचेंगे। बनाता है मुहाफिज वो किसी नन्हे से कीड़े को, बनाता है मुहाफिज वो किसी नन्हे से कीड़े को, वो अपनी कुदरतों की नित नई तफसीर करता है। खुदा अपने पैगंबर की हिफाजत पर अगर आए। दोस्तों ये कथा मैं 5 मिनट में कहता हूँ, लेकिन पूरी रात लग गई इस कथा को कहते हुए। सोरा हजरात भी दाद दे देंगे। बनाता है मुहाफिज वो किसी नन्हे से कीड़े को, वो अपनी कुदरतों की नित नई तफसीर करता है। और खुदा अपने पैगंबर की हिफाजत पर अगर आए तो फिर मकड़ी के जाले से किला तामीर कर। बहुत अच्छा है भाई। खुदा अपने पैगंबर की हिफाजत पर अगर आए तो फिर मकड़ी के जाले से किला तामीर करता है। दोस्तों मेरी शायरी कौम की बेदारी के लिए होती है। मायूसी की बात हम नहीं करते। आइए एक कथा पेश करते हैं उस हवाले से। हुकूमत तेरी कायम है, उफरान साहब जी, हुकूमत तेरी कायम है, तेरा ऐवान कायम है। अयोध्या काशी और मथुरा का भी सम्मान कायम है। हुकूमत तेरी कायम है, तेरा ऐवान कायम है। अयोध्या काशी और मथुरा का भी सम्मान कायम है। मदारिस को मिटाकर तू भी जालिम बच नहीं सकता, मदारिस को मिटाकर तू भी जालिम बच नहीं सकता। मदारिस ही की बरकत से ये हिंदुस्तान कायम है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा दोस्त। दोस्तों आपने हौसला अफजाई की। यकीनन जाते हैं बहुत सी जगहों पर मुशायरा पढ़ने के लिए, लेकिन ये अपना खिता है इसलिए यहाँ आकर ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। आइए आज दुनिया के जो हालात हैं कत्लो गारत गरी के, सारी आलम इंसानियत परेशान है। इस दुनिया को जरूरत किस चीज की है? इस कते में पेश, चाहत की उखुवत की फिजा मांग रही है, चाहत की उखुवत की फिजा मांग रही है। इस गदर के मौसम में वफा मांग रही है, चाहत की उखुवत की फिजा मांग रही है। इस गदर के मौसम में वफा मांग रही है। बारूद के ढेरों पे सुलगती हुई दुनिया फिर शहर मदीना की हवा मांग रही है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, फिर शहर मदीना की हवा मांग रही है। बारूद के ढेरों पे सुलगती हुई दुनिया फिर शहर मदीना की हवा मांग रही है। दुनिया के अंदर कानून बनाए जा रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। आलम इंसानियत के इस मसले का हल मैंने पेश किया है। जहां से जुल्म इस्तेबदाद की बुनियाद ढाने को, कसम अल्लाह की, अल्लाह का फरमान काफी है। बेशक बेशक, जहां से जुल्म इस्तेबदाद की बुनियाद ढाने को, कसम अल्लाह की, अल्लाह का फरमान काफी है। जला दो आज ही कानून की सारी किताबों को, जला दो आज ही कानून की सारी किताबों को। जमाने को चलाने के लिए कुरान काफी है। बहुत अच्छा, जमाने को चलाने के लिए कुरान काफी है। दोस्तों पाशा पानी ले लीजिए, सुला देता हूँ, पानी ले लीजिए। बर्मा पे एक नज्म लिखी है जी, अनायत है, अनायत, थोड़ा सा पानी पिला लीजिए।
हजरत तब तक ये कथा मैं सुनाता हूँ। बर्मा ये आलम इंसानियत का एक अलमनाक अलमिया है, आपने सुना भी होगा वो नज्म। मैंने बहुत ही बेताबी के आलम में तहरीर की और सच ये है कि वो मेरे दिल का दर्द है, बल्कि आपके दिल का दर्द, पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल का दर्द है, जो कि अल्फाज के पैकर में ढलकर सफहात पर मुनाकिस हो गया। बहुत अच्छा। मैं भाई पान खाता हूँ इसलिए प्यास जल्दी लग जाती है। तलबा से मैं कहता हूँ, मैं पढ़ रहा था तो पान खा रहा था, तलबा बिल्कुल पान ना खाए। अच्छा, हम भी हैं साहिब ईमान, हमें पहचानो, हम हैं बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। कैसे बतलाएं, मैं बहुत ही बर्क रफ्तारी के साथ पढ़ूंगा दोस्तों, आप अल्फाज के साथ साथ जहन को दौड़ाते हुए मजामीन को दिल में उतारिएगा। बस चार पांच मिनट का वक्त लेके मैं अपनी जगह ले लूंगा। हमारे दोस्तों का की ये फरमाइश है, हम भी हैं साहिब ईमान, हमें पहचानो, हम हैं बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। कैसे बतलाएं, बनाए गए मक्तल कितने, खून से गरकाब हुए हैं यहाँ साहिल कितने, कितने मासूमों को नेजों पे उछाला भी गया, कितने मासूमों को नेजों पे उछाला भी गया, जिस काम में लाए गए तो को सलासिल कितने, लाखों इंसानों को शोलों में जलाया भी गया, जिस्म को काट के खींचे भी गए दिल कितने, उन दरिंदों को कोई रोकने वाला भी न था, उन दरिंदों को कोई रोकने वाला भी न था, दंदराते हुए फिरते रहे कातिल कितने, कौन देगा भी इधर ध्यान, हमें पहचानो, हमें बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। जुल्म की आग में जलते हुए घर देखे हैं हमने, देखा है धुआं बर्क और शरर देखे हैं हमने, बहती हुई देखी है लहू की नहरें हमने, वीरानियां देखी है, खटर देखे हैं, आग और खून के दरिया से गुजारे भी गए हमने, दुनिया में भी दोजख के असर देखे हैं, ऐसे मंजर कि जिन्हें देख न पाए आके, ऐसे मंजर भी सरे राह गुजर देखे हैं, हम उजड़ कर हुए वीरान, हमें पहचानो, हम है बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो, हम है बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। भाई थोड़ा सा हौसला अफजाई तो हक बनता है। सगीर साहब देखिए, तनहा ये मर्द मुजाहिद दारुलूम में एक शायर बेधड़क था, ये देखिए बैठे हुए हैं, ये तप्पा उजियार है, यहाँ खामोशी अच्छी नहीं लगती, और खासतौर से तलबा की खामोशी। इन भड़कते हुए शोलों में मोहब्बत भी जली, कौन से दर्द की देरीना रिवायत भी जली, हम अकेले न जले जुल्म के अंगारों में, इसमें हर मर्द मुसलमान की गैरत भी जली, एक बदन जैसे हैं आलम के मुसलमान सारे, हाई साग में वो शानी उखवत भी जली, हुक्मरा आलम इस्लाम के सम्राट हुए, हुक्मरा आलम इस्लाम के सम्राट हुए, सबकी शौकत भी जली, सबकी हनीयत भी जली, जल गई कौम की हैरान, हमें पहचानो, हम है बर्मा मुसलमान, हमें। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत। मुंतजिर थे कि बचाने तो कोई आएगा, कोई अपना है जताने तो कोई आएगा, अश्क बहती हुई आंखों से कोई पूछेगा, जख्म पे फाया लगाने तो कोई आएगा, भीड़ से कोई तो निकलेगा मसीहा बनकर, दस्ते कादिर से छुड़ाने तो कोई आएगा, तलखी दर्द को सीनों से मिटाने के लिए हमको सीनों से लगाने तो कोई आएगा, राह तक तक हुए हैरान, हमें पहचानो, हमें बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो, हमें बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। जालिमों को है सबक कोई सिखाने वाला, है कोई जुल्म की बुनियाद को ढाने वाला, लाखों मजलूमों ने रो रो के सदाएं दी है, इब्ने कासिम भी नहीं क्या कोई आने वाला, वक्त ने माथे पे जिल्लत की कहानी जो लिखी, कोई इस दाग को आएगा मिटाने वाला, लौट कर आ गई चीखें भी हमारी जानिब, कोई आया ही नहीं कोई ना आने वाला, हम अकेले हैं परेशान, हमें पहचानो, हमें बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। बहुत हम है बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। बात अच्छा, हम परेशान ही सही, आप सलामत रहिए, अपने महलों में बसत शौक व मसरत रहिए,
दोस्तों एक चोट है, एक तंज है बर्मा के अंदर। मुसलमानों के ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते रहे, दुनिया के कोने कोने पे बसने वाले मुसलमान दर्द से बिलबिला उठे, लेकिन मुस्लिम जो हुक्मरान है उनके कान पे जूं तक नहीं रहेगी। हम परेशान ही सही, आप सलामत रहिए, अपने महलों में बसत शौक और मसरत रहिए। बिजलियां टूटी नहीं आपके कारखानों पर, बिजलियां टूटी नहीं आपके कारखानों पर। क्या जरूरी है कि महवे गमो कुलफत रहिए। हम लुटे हैं तो हमें अश्क बहा भी लेंगे, हम लुटे हैं तो हमें अश्क बहा भी लेंगे। आप बेफिक्र रहे और बराहत रहिए, हमको तूफानी मजालिम में घिरा रहने दे, हमको तूफानी मजालिम में घिरा रहने दे। आप साहिल पे बसत चैन और हिफाजत रहिए, हमको रहने दो परेशान, हमें पहचानो। हम हैं बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। हम हैं बर्मा के मुसलमान, हमें पहचानो। एक आखिरी कथा अगर इजाजत हो पढ़ के जाता हूँ, वक्त जो है बहुत इजाजत नहीं दे रहा है। किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग। इस कथा को आप अपनी दुआओं से रुखसत कीजिएगा कि किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग। गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे, गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे। किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग, गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे। ये मेरा काफला रास्ते से हट गया वरना, ये तख्त ताज मेरी ठोकरों में रहते थे, ये तख्त ताज मेरी ठोकरों में।